आज मैं आपको 2 प्लाई के ऊन से क्रोशिया की सहायता से कुशन कवर बनाना बता रही हूँ। इसे आप सर्दी के दिनों में लगाएंगे अपने कुशन में तो बहुत ही अच्छा फीलिंग देगा। इसके लिए हमें 2 प्लाई का ऊन चाहिए। मैंने ये 2 कलर लिए हैं ये कुशन कवर बनाने के लिए, और एक क्रोशिया चाहिए, 11 नंबर का क्रोशिया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये एक फंदा डालना होगा, तो इस तरह से डालेगा। सात या 8 चेन लेके हमें ये राउंड में यहाँ बंद कर देना। अब यहाँ फिर हमें ये 3 चेन लेनी। फिर इस राउंड वाले में हमें यहाँ 3 लेना है। 3 का 2 करना है, फिर 2 का 1 करना है। फिर यहाँ ये लेंगे हम धागा, फिर इसमें अंदर डालेंगे। इस तरीके से 3 बार करना है। दो का एक। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे। फिर इस राउंड वाले में हमें डालना है इसी तरीके से पहले की तरह। फिर 2 का 1 करना है, फिर ये धागा डालना है। ये डालना है, फिर ये 3 हुआ, 3 का 2 करना है, 2 का फिर 1 करना है। ये 3 हो गया, फिर ये 3 हुआ, फिर यहाँ 2 चेन लेना है। इसे यहाँ ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। ये 4 होल हो गए, ये 4 कॉर्नर बनेंगे। यहाँ में चेन लेना है, 3 चेन लेंगे हम। फिर इस होल में हमें 3 बार निकालना है। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, फिर ये 3 बार निकालना है। ये देखिए यहाँ ये इस तरीके से हुआ। फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर हम यहाँ इस होल में आएंगे। इस होल में ये 3री बार निकाला, फिर 2 चेन। ये 2 होल में हो गया, 3 बार, 1 2। फिर इसी तरीके से ये 2 बाकी 2 होल में भी हमें 3-3 निकाल लेना है 2 चेन लेके। शुरुआत ही इसकी इम्पोर्टेंट है, बेस अगर सही बन जाए तो फिर ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चौथा होल में ये 1 बार निकल गया चेन लेने के बाद, फिर ये 2री बार और ये 3री बार। ये 2 चेन डाल के फिर हमें यहाँ 3 चेन ले लीजिए।
इसके बाद हमें फिर यहाँ तीन बार निकालना है। फिर ये चार हमारा कॉर्नर हुआ। कॉर्नर में दोनों तरफ तीन और तीन छह बार निकालना है, बीच में दो चेन डालना है जिस तरीके से यहाँ डाला हुआ है। ये होने के बाद फिर दो चेन कॉर्नर है, यहाँ फिर तीन बार फिर लेना है दो चेन लेने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ दो चेन लेना है, ये बीच वाले में तीन, इसी तरीके से हमारा ये आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये सिक्स रो कंप्लीट हो गई हमारी, व्हाइट कलर से सिक्स, चारों तरफ सिक्स हो गई। अब ये हमारा स्क्वायर में हो गया है। अब यहाँ हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। मैं यहाँ मैरून कलर ले रही हूँ। ये दूसरा कलर ऐड करने के लिए हमें इस फंदे से इसे निकालना है और इस तरीके से यहाँ नॉट डाल देना है। फिर दो चेन लेंगे और इस यहाँ तीन, पहले की तरह, पहले जिस तरह से बना है उसी तरह से, उस तरीके से बनाते चले जाना है। तीन लेके फिर दो चेन, तीन लेके फिर दो चेन। और कॉर्नर, ये कॉर्नर है यहाँ, एक दो तीन, फिर दो चेन लेके फिर सेम होल में निकाल लेना है तीन बार। फिर बस इसी प्रोसेस से इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। व्हाइट के बाद फिर ये मरून कलर से तीन लाइन बनाने के बाद फिर व्हाइट लगाएंगे, फिर मरून लगाएंगे। इसी तरह से हमें ये 15 इंच का स्क्वायर तैयार करना है, 15 इंच कंप्लीट कर लेना है। पीछे का पार्ट बनाने के लिए ये 12 इंच का चेन तैयार करेंगे, ऊपर ये 12 इंच का चेन तैयार करेंगे और इसके इसे इस साइड से बुनाई करेंगे। 12 इंच तैयार करके ये 15 इंच तक बुनाई करेंगे। मैंने यहाँ ये 12 इंच का चेन तैयार किया है। अब इस पे मैं ऊपर की तरफ बुनाई करूँगी, हर चेन में से एक एक निकालते चला जाना है। अब हमें ये 15x12 की एक पट्टी तैयार कर लेनी है। इसके ऊपर फिर हमें 4x15 की पट्टी तैयार करनी है जो इसके ऊपर चरी रहेगी, जिस तरह से कुशन कवर में होता है। ये हमारी दूसरी पट्टी 4x15 की तैयार हो गई है। अब हमें इसे एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह से कुशन कवर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ज्वाइंट रहता है, सिला रहता है, उस तरीके से हमें इसे सिल देना है। ये दोनों पार्ट को हमें इस तरह से अटैच कर देना है। इस पार्ट से और इस पार्ट के चेन से निकालना है, ये दो करना है, फिर एक करना है। इसी तरीके से चारों तरफ से हमें जोड़ ज्वाइंट कर देना है इसे।